रोहतास जिले के चिनारी विधानसभा के नोटा में जनसभा तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बोले कि नीतीश कुमार से नहीं होगा राज्य का विकास। कोरोना महामारी काल में प्रवासी मजदूरों का सहारा बनने के बजाय सरकार ने मजदूरों से मुंह फेर लिया। मजदूरों ने हजारों किलोमीटर तक पैदल चलकर किसी भी तरह अपने घर पहुंचे, सरकार ने उन्हें कोई सहारा नहीं दिया। मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख बेरोजगार युवाओं की सरकारी नौकरी दूंगा और किसानों का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। रोजगार सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे और फॉर्म का फीस भी हम माफ करेंगे। जो फॉर्म आप लोग भरते हैं 500 रुपया 700 रुपया जो लगता है बहाली का, उसका फीस भी हम माफ करेंगे और परीक्षा केंद्र में जाने का भाड़ा भी हम देंगे। इसलिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जितनी आंगनबाड़ी महिला है, स्वयं सहायता समूह है, चाहे आशा दीदी हो, चाहे जीविका दीदी हो, पूरी तरीके से इन लोगों का मानदेय 4000 रुपया हम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको समान काम समान वेतन का अधिकार हम दिलाने का काम करेंगे। जितने कृषि ऋण है उसको हम लोग माफ करेंगे, बिजली का बिल को आधा करेंगे, कारखाना लगवाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम एक मौका मांगने आए हैं, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुरारी जी देखिए, मुरारी जी को एक एक वोट दीजिएगा तब ना, पंजा के निशान पर एक एक वोट। अब बताइए नीतीश कुमार जी से बिहार संभलने वाला देखिए, थक गए बड़े, थक चुके हैं उनसे बिहार नहीं संभल रहा। बताओ हमारा से कहा था नीतीश जी, कहा था कि कहाँ से पैसा आएगा रोजगार दे वाला, हम आपको बता दे कहाँ से आता है। देखिए पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहते हैं जिसने 60-60 घोटाला किया, बिहार का 30,000 करोड़ लूटा लुटवा दिया, भ्रष्टाचार के पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। बिहार का बजट कितना है? 2,11,000 करोड़। कितना? 2,11,000 करोड़। अब बिहार सरकार कितना खर्च कर पाती है? 60%, यानी 40% 2,11,000 करोड़ में खर्च नहीं करती है। 2,11,000 करोड़ में 80,000 करोड़ रुपया बचता है। कितना? 80,000 करोड़। तो 80,000 करोड़ तो है ही है, लोगों को 10 लाख रोजगार मिलेगा। पैसा का भी प्रबंध हो चुका है, बस 10 तारीख को आप नतीजे में यहां से चिनारी की जनता पंजा निशान को आगे बढ़ाइए, पुरारी जी को जिताइए और 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी नौकरी आप लोगों को मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो समय नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद है तो माला पहना दे, दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा तो माला पहना दे। देखिए राम प्रवेश पासवान जी भाजपा के जो सांसद प्रतिनिधि थे वो राजद में शामिल हुए हैं, उनका भी हम लोग जो है स्वागत करते हैं। तो एक बार आशीर्वाद देने का काम कीजिए, दोनों हाथ उठा करके बताइए। चलिए आप सब लोगों का धन्यवाद, चिनारी की जनता जिंदाबाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।